हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कक्षा 8 के अध्याय 14 में गुणनखंडन यानी फैक्टराइजेशन और वो भी पुनः समूहन यानी रीग्रुपिंग विधि द्वारा। अपने पिछले वीडियोस में हम सार गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड करना सीख चुके हैं। पुनः समूहन विधि होती क्या है? पुनः समूहन विधि में हमें जो कई पद दिए होते हैं उनको इस प्रकार से पुनः व्यवस्थित करते हैं कि कुछ पदों का सार गुणनखंड एक जैसा प्राप्त हो और कुछ अन्य पदों का सार गुणनखंड एक जैसा प्राप्त हो। उदाहरण के लिए हम एक व्यंजक ले रहे हैं, इस व्यंजक में हम देख रहे हैं हमें दिया हुआ है 2x + 3 + 2y + 3x और पहला पद और 2y, इन दोनों में सार गुणनखंड है 2y और दूसरा पद और चौथा पद जो कि है 3 और 3x, इन दोनों में सार गुणनखंड है 3। तो हम इनको एक जैसे सार गुणनखंडों वालों को पहले लिख देंगे और अन्य एक जैसे सार गुणनखंड वालों को पीछे लिखेंगे। इस प्रकार से हमने इस प्रकार से इन दोनों पदों को पहले लिख लिया 2x + 2y और यहां से 3x + 3। इन दोनों में से 2y को सार गुणनखंड लेते हुए ब्रैकेट के बाहर लिखा 2y और ब्रैकेट के अंदर लिखा यहां से x और यहां से पूरा 2y जो है सार गुणनखंड में चला गया। 2y एकम 2y होता है तो एक ब्रैकेट के अंदर आ गया। इसी प्रकार यहां 3x + 3 में से 3 को सार गुणनखंड लेते हुए 3 को ब्रैकेट के बाहर गुणनफल के गुणनखंड के रूप में लिखा और x + 1 ब्रैकेट के अंदर लिखा। अब इन दोनों ही पदों में हम देख रहे हैं कि x + 1 है। इस x + 1 को हम फिर से दोनों का सार गुणनखंड लेंगे। देखते हैं कैसे। जब दोनों पदों में से x + 1 को हमने सार गुणनखंड लिया तो इधर से 2y और इधर से 3 हमें प्राप्त हुआ ब्रैकेट के अंदर और हमारे गुणनखंड हमें प्राप्त हो गए दिए हुए व्यंजक के। तो इस प्रकार हम पुनः समूहन विधि द्वारा गुणनखंड कर लेते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। NTPC फरीदाबाद एंड चीफ मिनिस्टर्स गुड गवर्नेंस एसोसिएट्स प्रोग्राम विद स्टार टीचर्स ऑफ फरीदाबाद।